नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो टाइगर रिजर्व गए थे, वहां पर उन्होंने बाघों और इसी के साथ ही हाथियों के साथ समय व्यतीत किया था, तो इस चीज को लेकर के केविन पीटरसन ने उन्हें वर्ल्ड लीडर बताया है, साथ ही उन्हें एक हीरो भी करार दिया है। अब इस बात से कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे के नेताओं में खलबली जरूर मच गई होगी, खासकर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ बता रहे थे। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसी के साथ ही बार बार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्रियों को लेकर के भी वो सवाल उठाते हुए नजर आए थे। तो वहीं अगर बात हम राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी भी बेवजह बिना सबूतों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, और कई मामलों में, खासकर अगर वर्तमान समय की बात करें तो अडानी मामले को लेकर के राहुल गांधी खासा हमलावर हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, और समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जिस तरीके से इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, उन्हें वर्ल्ड लीडर बताया है, तो इससे कहीं ना कहीं विपक्षियों में हड़कंप जरूर मच गया है। और जो डिग्री को लेकर के सवाल पूछते रहे हैं, तो ये इसका जवाब है कि व्यक्ति के पास ज्ञान होना चाहिए, डिग्री नहीं, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति के आचरण को दर्शाता है, उसके व्यवहार को दर्शाता है। आपको बता दें, दरअसल इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। पीएम नरेंद्र मोदी की बांदीपुर टाइगर रिजर्व की यात्रा को लेकर केविन पीटरसन ने एक ट्वीट किया है और जानवरों के प्रति उनके प्रेम की सराहना की है। बता दें, पीटरसन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आइकॉनिक, एक वर्ल्ड लीडर जो जंगली जानवरों से प्यार करता है और उनके प्राकृतिक घर में उनके साथ समय बिताकर बहुत उत्साहित होते हैं। अपने पिछले जन्मदिन पर भी उन्होंने भारत में चीतों को जंगलों में छोड़ा था, हीरो नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, दरअसल पीटरसन एक पशु संरक्षणवादी हैं और अपनी एक चैरिटी चलाते हैं जिसमें कि वो रियॉन्स को संरक्षण देने की बात करते हैं और खासकर गैंडे को लेकर के मुहिम चला रहे हैं। इस बीच देखने को मिला था कि G20 के सम्मेलन के दौरान मार्च में अभी हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बांदीपुर रिजर्व पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने जंगल सफारी का लुत्फ भी उठाया था। बता दें कि टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे होने के कार्यक्रम के सिलसिले में वे वहां पहुंचे थे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत करते हुए कहा कि वन्य जीवों की सुरक्षा एक सार्वभौम मुद्दा है। IBCA का बिग कैट की प्रजातियों के संरक्षण एवं सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की है। भारत में 2022 में बाघों की संख्या 3,167 थी और इस आंकड़े का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज बाघों की जो संख्या है वो ये दिखाती है कि हमारे यहाँ इस परिवार की सदस्य बढ़ रही है, ये गर्व का क्षण है। उन्होंने कार्यक्रम के मौजूद लोगों से बाघों को संख्या में वृद्धि पर खुलकर प्रशंसा करने का आह्वान करते हुए कहा कि मुझे भरोसा है और मैं दुनिया को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल बाघों को बचाया बल्कि उनकी आबादी बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थिति भी कायम की है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां प्रकृति की रक्षा करना इसकी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीते दशकों पहले भारत में विलुप्त हो गए थे। प्रधानमंत्री ने नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत लाने की हालिया पहल का जिक्र करते हुए कहा कि ये विदेशों से चीतों का पहला सफल ट्रांसफर था। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश के कुन्हू राष्ट्रीय उद्यान में इन मादा चीतों ने 4 शावकों को भी जन्म दिया है। आपको बता दें, दरअसल IBCA का उद्देश्य बाघ और शेर समेत दुनिया की बिग कैट परिवार के साथ प्रमुख प्रजातियों की रक्षा एवं संरक्षण करना है।
IBCA बिग कैट्स प्रजाति के साथ पशुओं जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीते के संरक्षण एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। आपको बता दें कि केविन ने इससे पहले भी भारत में गैंडे के अवैध शिकार को रोकने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए प्रयासों की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत में वन्य जीवों की रक्षा के लिए काम करने वाले सभी लोगों को मेरा सलाम, मैं उनसे बहुत खुश हूं और उन्हें सम्मान देता हूं। इस दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि भारत में गैंडों का शिकार लगभग अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें, दरअसल पूर्व क्रिकेटर जो हैं केविन पीटरसन, वो वर्तमान समय में अगर बात करें तो एक पशु संरक्षणवादी हैं जो कि एक चैरिटी चलाते हैं और इसका नाम है सेव अवर राइनोज इन अफ्रीका एंड इंडिया। और इसी के तहत उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, जिस तरीके से गैंडों के शिकार को लेकर के अवैध चीज़ें अपनाई जा रही थी भारत में, इन चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रयास किया गया था, उनकी उन्होंने सराहना की थी। वहीं हाल ही की बात की जाए तो मार्च के G20 सम्मेलन में भी केविन पीटरसन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और अभी जो फिलहाल में तस्वीरें सामने आई थी जंगल सफारी की प्रधानमंत्री मोदी की, इसकी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की और उनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जानवरों से बेहद प्यार करते हैं और जानवरों के ही घर यानी कि जंगल में जा करके उनसे मिलने का समय भी वो निकाल लेते हैं। आपको बता दें कि इन्हीं तस्वीरों को लेकर के और इसी जंगल सफारी जो प्रधानमंत्री मोदी का आया था सामने, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने ट्रोल किया था और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के तंज कर रही थी और कह रही थी। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक देश में 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी, जिसके बाद 2010 में ये संख्या 1706 थी, लेकिन 2014 की बात की जाए तो बाघों की संख्या 2226 हो गई और 2018 की बात की जाए तो 2967 थी, और अगर हम सीधे 2022 की बात करें तो ये संख्या 3167 हो गई है, यानी कि 2014 से लेकर के 2022 9 सालों में बाघों की संख्या दुगनी हुई है, जिसकी वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि हम पूरी दुनिया को विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी हम इसी दिशा में काम करेंगे और बाघों के संरक्षण को लेकर के जो काम किया जा रहा है भारत में वो आगे भी यूं ही करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल हों या फिर राहुल गांधी हों प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए नजर आते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है, चाहे पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन हो या फिर जिस तरीके से लिस्ट सामने आई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भारत के क्या दुनिया भर के जो लोग थे उन्होंने पसंद किया था और 76% वोटों के साथ प्रधानमंत्री मोदी नंबर वन की पोजीशन में बने थे इस लिस्ट में। वहीं अगर हम ऋषि सुनक की बात करें, जो बाइडन की बात करें, जो कि तमाम जाने पहचाने चेहरे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से पीछे रहे थे। ऐसे में ये चर्चा जाहिर सी बात है कि ज्यादा होनी लाजमी है कि प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पसंद करती है और कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के जो लीडर्स हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर देश की बात करें, भारत की बात करें, तो यहीं पर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के सवाल उठाते हैं, उन्हें अनपढ़ करार देते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं डिग्री दिखाने के बाद कि ये डिग्री यहाँ पूरी तरीके से फर्जी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला जो है वो गुजरात के हाईकोर्ट में पहुंचा था, अरविंद केजरीवाल डिग्री वाले मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट पहुँच जाते हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट बाकायदा अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाती है, ₹25,000 का जुर्माना लगाती है और ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ करके अपना समय तो बर्बाद किया ही, साथ ही कोर्ट का भी समय बर्बाद किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री तो खुद गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड है, इसके बावजूद इस तरीके से उनका समय बर्बाद करना कोर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से कोर्ट ने उन पर ₹25,000 का जुर्माना लगा दिया। इसके बावजूद लगातार देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो डिग्री के मुद्दे को लेकर के अभी भी बरकरार है। अभी हाल ही में आतिशी मार लेना ने डिग्री दिखाओ कैंपेन लॉन्च किया है और यहां पर वो लोगों से अपील कर रही हैं कि आप डिग्री दिखाएं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी में
कितने पढ़े लिखे नेता हैं, कितने ग्रेजुएटेड नेता हैं, पहले उन्हें अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, इसको लेकर के तमाम लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि चाहे बात हम सीएम भगवंत मान की करें, नरेश बालियान की करें, तो ये लोग ग्रेजुएटेड नहीं है, जिसकी वजह से लोग ये सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।